CBI! Jack's the road! CBI! Jack's the road! आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां बाबा संत रामपाल जी के भक्त धरना प्रदर्शन पर हैं। हम आपको बता दें, कल हिसार कोर्ट के एक फैसले के बाद बाबा पर चल रहे दो केसों में उनको बरी कर दिया गया है। आइए जानते हैं उनके कुछ अनुयायियों से कि उनका इस पर क्या कहना है। ये जो केस बनाए गए थे हमारे गुरु जी के ऊपर, भक्तों बहनों के ऊपर, ये बिल्कुल एक साथ इसके साथ झूठे केस बनाए गए थे और ये सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। हम सच थे, हमारे पक्ष में निर्णय आया। आप चाहते हैं कि सारे केसों की सीबीआई जाँच हो, क्या आपको लगता है कि सीबीआई जाँच होगी तो फैसला आपके पक्ष में आएगा? बिल्कुल, ये सभी जो फैसला आएगा आगे आने वाले जो जितने के जो झूठे लगाए हैं वो भी निर्णय हमारे जो फैसला हमारे पक्ष में आएगा। हम ये हमारा मानना है कि जितने भी संत गुरु बाबा रहे हैं, जो भी आज पीछे हैं, किसी को भी ले लो, सबकी सीबीआई जांच हुई है। हम सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं 715 दिन से कि हमारे गुरु जी की सीबीआई जाँच कराई जाए, मगर सरकार इसके पीछे क्यों हट रही है? इसका मेन मुद्दा क्या है? सरकार इसे पीछे इसलिए हट रही है कि हमारे गुरु जी निर्दोष हैं। क्या आपको लगता है यहाँ धरना करने से आपकी सुनवाई जल्दी होगी? हमने न्याय पाने की जितनी प्रक्रिया है जो अपने संविधान में, वो सारी पूरी कर ली है, लेकिन कहीं से भी हमारे को कोई निर्णय नहीं मिल रहा है। और ये जो स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से एक जगह सेलेक्ट की है जंतर मंतर, यहाँ पर हम बैठे हैं, अपना अनिश्चितकालीन धरना हमारा शांतिपूर्ण तरीके से, हमारी एक ही मांग है, हमारे गुरु जी के ऊपर जो झूठे केस लगाए गए हैं उन सभी केसों की सीबीआई जाँच होनी चाहिए, जिसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जैसा कि आपने देखा, यहाँ मौजूद सभी लोगों का कहना है कि बाबा पर चल रहे सभी केसों की सीबीआई जांच हो। अब देखना यह होगा क्या सरकार इन सभी केसों की सीबीआई जांच कराती है या नहीं। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ मैं आशीष कुमार, बोल बिंदास, न्यू दिल्ली।